ये देखें जी कि यहाँ पे रिवर के साथ साथ नदी के साथ वॉकवे जिस पे ब्रिज बने हुए हैं, एक ब्रिज बनाया और आपको ग्लिम्प्स दिखाते हैं जिस वॉकवे के। ये एक ब्रिज के नीचे से बड़ी नदी गुजर रही है, ब्रिज ब्रिज इस पे बहुत दिन साथ साथ ही आते हैं हमेशा। इसके साथ ये ड्यूअल पैसेज बना हुआ है जाने के लिए। देखिए एक और ब्रिज, ये जनाब हम एक पार्क तक पहुंच गए हैं, कुक पार्क। वो सनसेट होने वाला है हाफ एन आवर में। सनसेट बड़ी देर से होता है, इस वक्त 8:30 हो चुके हैं शाम के, 9:00 के बाद सनसेट होता है और ईशा का टाइम उससे भी बाद में होता है। ये देखें और ब्रिज आ गए, ये ब्रिज के ये पत्थर भी काले काले से लगते हैं, जैसे ब्लैकिश है स्टोन्स होते हैं और पानी भी उसी की रिफ्लेक्शन में काला काला सा नजर आता है। ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस रुकी है, आप देखते हैं बलखाती नदी साइड पे वॉक भी और नदी पे जगह जगह क्रॉसिंग ब्रिजेस बने हुए हैं। एक छोटी सी वॉक बनी हुई है ऐसी नदी पे, ऑन द वॉक पे हम उसी के नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर वो डैम जैसा छोटा सा वो आगे ठोकर जिसे कहते हैं, और यहाँ ये छोटी नदी एक बड़ी नदी में मिल रही है, वो सामने टी शेप में जाकर वहाँ ये बड़ी नदी में मिल जाती है और इस तरफ ये डैम की तरह का है। सीढ़ियाँ उतर के नीचे पानी तक जा सकते हैं, वो दिखाता हूँ पत्थरों के पास आके। ये देखें जी, ये आप पानी को टच भी कर सकते हैं यहाँ। ये इधर से वो छोटी नदी आ रही है और इस साइड पे वो बड़ी नदी आ रही है जिसमें ये मिल रही है। ये देखिए ये सिल्वर लेक इसके पीछे है, ये जो डैम नज़र आ रहा है और सिल्वर लेक का पानी फिर निकल के आता है तो इन पत्थरों में इधर आ जाता है। करता हुआ वापस आ रहा हूँ और 14 ब्लॉक वापस जाना है तो सेंट्रल स्ट्रीट पहुँच जाएगी, आ जाएगी और वो डाउनटाउन नज़र आ रहा है। और ये ब्रॉडवे सड़क है जो शहर को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, ये ब्रॉडवे मिड में से गुजरती है।